हम डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉमन फॉर्मूला यूज होता है वो है आपका, पहले आपका डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्वांटिटी क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट क्वांटिटी इक्वल्स टू योर जीरो, यह है आपका वेरी फर्स्ट फॉर्मूला। और सेकेंड है आपका डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन क्या होता है, दैट इक्वल्स टू योर एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। यहां पे एन क्या है आपका, एन है एक्सपोनेंट, एक्स का एक्सपोनेंट है आपका एन। ठीक है, और थर्ड फॉर्मूला है अगर डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस वी होयर योर यू एंड वी आर फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, यू वी आर फंक्शन ऑफ एक्स, तो यहां पे क्या होगा, ये डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ योर वी, दैट मीन्स योर डेरिवेटिव ऑफ यू प्लस डेरिवेटिव ऑफ वी। सिमिलरली यहां पे अगर माइनस है तो फिर यहां पे हो जाएगा आपका माइनस। ठीक है, और एक फॉर्मूला है आपका, अगर यहां पे डी बाई डी एक्स ऑफ सी सम कांस्टेंट इनटू यू, यहां पे आपको याद रखना है कि यू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहां पे क्या है, सी इज कांस्टेंट सी इनटू यू, तो ये क्या हो जाएगा, एच सी इज कांस्टेंट, सी बाहर आ जाएगा, सी इनटू डेरिवेटिव ऑफ योर यू। ठीक है, बस इतना सब यूज करके आज हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो अभी देखते हैं, मैं बस नोट कर लो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव है जीरो, एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव है एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, और ऐसा दो चार फंक्शन अगर उसका समेशन या फिर उसका सब्ट्रैक्शन है तो फिर यहाँ पे क्या होगा, सेपरेटली इच फंक्शन का हम डेरिवेटिव निकालेंगे और जो जो भी सिंबल है प्लस है या माइनस सिंबल है उसी को लगाएंगे। और ऐसा ही अगर कोई स्केलर क्वांटिटी या फिर सॉरी नॉट स्केलर कांस्टेंट क्वांटिटी अगर तुम्हारे फंक्शन के साथ अगर मल्टीप्लाई हुआ है तो फिर वो कांस्टेंट क्वांटिटी को हम बाहर लाके डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, चलो अभी कुछ प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमारा प्रॉब्लम नंबर वन जो होगा, प्रॉब्लम नंबर वन ये है y इक्वल्स टू योर थ्री एक्स टू द पावर फोर प्लस सेवन एक्स को यार प्लस फाइव एक्स प्लस नाइन। ठीक है, थ्री एक्स टू द पावर फोर प्लस सेवन एक्स को यार प्लस फाइव एक्स प्लस नाइन, यहां पर क्वेश्चन है फाइंड dy by dx। ओके, तो हमारा अभी dy by dx निकालेंगे, dy by dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हमारा d by dx ऑफ 3x टू पर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। तुमको फॉर्मूला क्या पता है, तुम्हारा d by dx ऑफ सम कांस्टेंट इनटू u इक्वल टू क्या हो रहा था, तुम्हारा डी बाई डी एक्स ऑफ सॉरी दैट इक्वल्स टू योर कॉन्स्टेंट विल बी आउटसाइड डी बाई डी एक्स ऑफ योर यू, ये था तुम्हारा फॉर्मूला। ठीक है, और तुम्हारा ऑलरेडी पता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इक्वल टू कितना होता है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ये दो फॉर्मूला को हम यूज करेंगे यहां पे। ठीक है, तो जो कॉन्स्टेंट है उसको पहले बाहर ले आते हैं, ये हो जाएगा तुम्हारा थ्री, और जो ईच टर्म है ये इनको सेपरेटली हमको डेरिवेटिव निकालना है, तो थ्री डी बाई डी एक्स ऑफ पहला वाला टर्म आ जाएगा तुम्हारा एक्स टू द पावर फोर, ये पहला वाला टर्म का नेक्स्ट, फिर ये कॉन्स्टेंट है सेवन, इसको बाहर ले आते हैं, सेवन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फाइव डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस
डी बाई डी एक्स अब तुम्हारा 9। ठीक है, यहां पे देखो ये क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी एक टर्म का निकालते हैं, 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 4। यहां पे देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन का क्या हो रहा था, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1, तो यहां पे एम एन का वैल्यू कितना है, 4 है, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू एक्स टू दी पावर 4 माइनस 1, ये पहला वाला टर्म का। ठीक है, प्लस 7 इंटू अगेन एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1, यहां पे एन है तुम्हारा 2, तो सॉरी तो 7 इंटू 2 एक्स टू दी पावर 2 माइनस 1, एन 2 था तो 2 माइनस 1 हुआ। ठीक है, तो 5 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स इज योर 1, और कांस्टेंट क्वांटिटी का डेरिवेटिव कितना होता है 0। तुम्हारा पहला वाला जो आ गया ये कितना 12, 3 इंटू 4 इज 12 इंटू एक्स टू दी पावर 3, तो 12 एक्स क्यूब प्लस 7 इंटू 2 इज 14 एक्स टू दी पावर 1, सो इट इज 14 एक्स प्लस 5, इट इज योर डी वाई बाई डी एक्स, ये है तुम्हारा आंसर फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, मैं क्या किया, सिंपली इच टर्म का यहां पे जो बीच में क्या था तुम्हारा प्लस था, तो इच टर्म को सेपरेट कर दिया, और जो कांस्टेंट क्वांटिटी जो भी था उसको बाहर ले आया, फिर ये वाला जो तुम्हारा एक्स टू दी पावर एन वाला, इसी को मैं फॉर्मूला यूज करके निकल दिया। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा वाई इक्वल्स टू 1 बाई रूट एक्स। ठीक है, तो हमको निकालना है तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या है, देखो यहां पे निकालते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई का वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये हो गया 1 बाई रूट एक्स। ठीक है, दैट इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स टू दी पावर रूट एक्स, मतलब कितना हाफ। ठीक है, दैट इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ ये क्या है एक्स टू दी पावर हाफ था 1 बाई है डिवाइडेड बाय, तो इसको हम माइनस हाफ कर सकते हैं। अभी पुट करो इसको, यहां पे एन इक्वल्स टू कितना है माइनस हाफ, तो फिर डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 माइनस हाफ इंटू एक्स टू दी पावर हाफ माइनस हाफ माइनस 1, तो कितना आ जाएगा ये दैट इक्वल्स टू माइनस हाफ इंटू एक्स टू दी पावर माइनस 3 बाई 2। ठीक है, दैट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा ये माइनस 1 बाई 2 इंटू एक्स टू दी पावर 3 बाई 2। ठीक है, ये है तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स। ये छोटा छोटा है लेकिन ये बहुत मतलब काम में आएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट वाला करते हैं। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करने से पहले एक फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। अगर देखो यहां पे डायरेक्टली एक्स टू दी पावर एन है तो हम ये वाला यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर जगह पे तो एक्स टू दी पावर एन ही मिलेगा। सपोज हमको ऐसा एक फंक्शन मिल गया जहां पे तुम्हारा डी बाई डी एक्स ऑफ यू टू दी पावर एन, हियर यू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, यू एक फंक्शन ऑफ है तो डायरेक्टली यहां पे एक्स नहीं है लेकिन यू इन टर्म्स ऑफ तुम्हारा यू है। जैसा कि तुम्हारा यू इज ए फंक्शन ऑफ है, सपोज यू इक्वल्स टू दे दिया है तुम्हारा साइन एक्स, और फिर यू इक्वल्स टू कितना 5 एक्स टू दी पावर 4 ऐसा कुछ दे दिया है। ठीक है, तो ऐसा वाला जब तुम क्वेश्चन को कैसा करेंगे इसको, तो ये है देखो, ये देखो एक्स टू दी पावर एन की फॉर्म में ही है, तो इसको इसका जो है ये हो जाएगा तुम्हारा एन इंटू यू टू दी पावर एन माइनस 1। फिर से हम ये जो यू को विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा।
ठीक है, पहले आपका जो नॉर्मल थिंक यू एज अ यू एज एक्स, तो यू को एक्स के जैसे ही सोचना है, तो ये हो गया तुम्हारा एन यू टू द पावर एन माइनस वन, लेकिन क्योंकि ये एक्स नहीं है इसीलिए फिर से हम इसको विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, चलो ऐसा एक अभी एक प्रॉब्लम ऐसा सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा प्रॉब्लम थ्री इज रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू द पावर फाइव प्लस एक्स टू द पावर माइनस फोर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये वाई इक्वल्स टू, ठीक है, तो वाई इक्वल्स टू दिस मच, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स टू द पावर फाइव प्लस एक्स टू द पावर फोर टू द पावर हाफ। दिस इंप्लाइज योर यू इज हियर एक्स टू द पावर फाइव प्लस एक्स टू द पावर फोर। हमारा फॉर्मूला क्या था, डी बाई डी एक्स ऑफ यू टू द पावर एन इक्वल्स टू एन यू टू द पावर एन माइनस वन इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो हमारा यहां पे अभी मिल गया, हियर दिस इज वाई इक्वल्स टू योर यू टू द पावर हाफ है यहां पे, और यू है ये आपका एक्स टू दावर फाइव प्लस एक्स टू दावर माइनस फोर, ये ठीक है मैं फोर लिख दिया हूं, तो यू टू दावर हाफ दिस इज डी यू डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा एन यू टू दावर एन माइनस वन, दैट मीन्स हाफ इंटू यू टू दावर हाफ माइनस वन, हाफ इंटू यू टू दावर हाफ माइनस वन इंटू योर डी यू बाई डी एक्स, तो ये कितना आ गया हाफ इंटू यू टू द पावर माइनस हाफ इंटू डी यू बाई डी एक्स पे निकलते हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू कितना है आपका एक्स टू द पावर फाइव प्लस एक्स टू द पावर माइनस फोर, ये है ना आपका यू एक्स टू द पावर फाइव प्लस एक्स टू द पावर माइनस फोर, तो ये हो जाएगा आपका इट इज अ माइनस हाफ है, तो वन बाई टू यू टू दावर हाफ हो जाएगा ये इंटू ये जो दो टर्म है ना इसको अलग अलग कर लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दावर फाइव प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दावर माइनस फोर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा ये दैट इक्वल्स टू वन बाय टू इंटू यू टू दावर हाफ, ये है आपका यू इसका हाफ, दैट मीन्स योर एक्स टू दावर फाइव प्लस एक्स टू दावर माइनस फोर टू दावर हाफ इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, हमें ब्रैकेट लगा देते हैं फिर से, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दावर फाइव कितना आ जाएगा आपका एन एक्स टू दावर एन माइनस वन, तो ये आ जाएगा आपका आ जाएगा आपका फाइव एक्स टू द पावर फोर, और ये कितना माइनस माइनस है पावर, तो ये आ जाएगा आपका माइनस फोर इंटू एक्स टू द पावर माइनस फाइव, ये आएगा तुम्हारा फाइव बाई टू इंटू ये है तुम्हारा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू द पावर फाइव प्लस एक्स टू द पावर माइनस फोर, और ये है ऊपर है आपका एक्स टू द पावर फोर माइनस फोर बाई टू इंटू ऊपर है आपका एक्स टू द पावर माइनस फाइव, यह आपका स्क्वायर रूट ऑफ कितना एक्स टू द पावर फाइव प्लस एक्स टू द पावर माइनस फोर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना फाइव बाय टू इंटू एक्स टू द पावर फोर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू द पावर फोर एक्स टू द पावर फाइव प्लस एक्स टू द पावर माइनस फोर, वही रह जाएगा माइनस टू एक्स टू द पावर माइनस फाइव डिवाइडेड बाई योर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू द पावर फाइव प्लस एक्स टू द पावर माइनस फोर। इसको और भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन अभी इसको मैं यहाँ पे छोड़ देता हूं।
बाद में आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, हम अभी ज्यादा फोकस डिफरेंशिएशन पे कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन है, इट इज योर प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 है हमारा, सपोज क्वेश्चन इज लाइक 4x²-9^2 ऐसा है, ये है तुम्हारा वाई, निकालना है तुमको क्या डी वाई बाई डी एक्स, तो कितना आएगा इट इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, 4x²-9^2। तो यहां पे तुम्हारा u कौन सा है, ये हो गया आपका u, कितना आएगा u टू द पावर हाफ, दैट मीन्स योर हाफ इंटू 4x²-9^(½-1) n u टू द पावर n माइनस वन इंटू डी यू बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ u इज योर 4x²-9। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये दैट इक्वल्स टू 1/2 इंटू 4x²-9^(-½) इंटू, इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 4 इंटू x² है, तो n x टू द पावर n माइनस वन इज 2 इंटू एक्स टू द पावर 2-1 इज 1 और माइनस ये कितना है 0 क्योंकि कॉन्स्टेंट है, तो ये आ जाएगा ये कितना 1/2 √4x²-9 ऊपर आ जाएगा तुम्हारा इंटू कितना है 8x, दैट इक्वल्स टू ये हो गया 4x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ योर 4x²-9। ठीक है, चल नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा जो है, सपोज एक वार्ड प्रॉब्लम है उसी को हम सॉल्व करते हैं। सपोज ए पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट, ओके, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम टी कैन बी इज गिवन बाय योर थीटा इक्वल्स टू, यह आपका क्या है, ये थीटा इज योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओके, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इक्वल्स टू टी टू द पावर 4/60 - t/4 दिस मच रेडियन। योर क्वेश्चन इज व्हाट इज द वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 10 सेकेंड, फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 10 सेकेंड, ये दिया गया है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हमको वेलोसिटी निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी, ओके, ये है आपका एंगुलर वेलोसिटी, चलो निकालते हैं, हमारा थीटा है टी टू द पावर 4/60 - t/4, ये एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा, दैट इक्वल्स टू क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा बाय टी टी, दैट इक्वल्स टू योर डी बाई डी टी ऑफ, हमको पता है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, कितना है टी टू द पावर 4/60 - t/4, बस इसको कैसे निकलना है हमको ऑलरेडी पता है, दो टर्म को सेपरेट कर देना है, दैट मीन्स योर डी बाई डी टी ऑफ फर्स्ट टर्म टी टू द पावर 4/60 - d/dt(t/4),
पहला वाला टर्म कितना 1/60 को बाहर ले आते हैं, 1/60 इंटू टी टू द पावर 4 का कितना हो जाएगा 4t³ इंटू 4t³ माइनस 1/4 को बाहर ले आओ और t का कितना है 1, dt/dt = 1, सो ये हो गया आपका एंगुलर वेलोसिटी। इसको अगर हम कैंसिल कर देते हैं तो ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 15, सो दैट इक्वल्स टू 1/15 इंटू t³ - 1/4। सो ये तो मिल गया हमारा एंगुलर वेलोसिटी। नाउ एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड कितना होगा, एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड, दैट मीन्स हमारा यहां पे टाइम दे दिया है 10 सेकंड एंड ओमेगा इक्वल्स टू वी नो दैट इट इज योर t³/15 - 1/4। तो यहां पे t की जगह पर 10 पुट कर देना है, दैट इक्वल्स टू 10³/15 - 1/4 दैट इक्वल्स टू योर 1000/15 - 1/4। तो कितना आ जाएगा ये, इसी को हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको 5 में कैंसिल कर लेते हैं, ये हो गया आपका 3 और ये हो गया 200। तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपका कितना, एलसीएम एलसीएम इक्वल्स टू ऊपर कर लेता हूं मैं थोड़ा, ठीक है, तो ये आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा आपका 12 - 800 कितना 800 - 3 दैट इक्वल्स टू आ गया 797/12 इतना यूनिट क्या होगा आपका, ये था रेडियन में और टाइम सेकंड में, तो ये आ गया आपका रेडियन पर सेकंड। इसको अगर हम और निकालेंगे तो ये आ जाएगा 12.6 - 72.4 रेडियन पर सेकंड, ये हो गया आपका ओमेगा आफ्टर 10 सेकंड्स। ठीक है, होप कि आपको एल्जेब्रिक फंक्शंस का कैसे डेरिवेटिव निकालना होता है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा अभी तक। ठीक है, अगर ऐसे ही आपको ठीक ठाक समझ में आ रहा है और वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें वीडियो को और दोस्त लोगों के साथ प्लीज शेयर करें और ऐसे ही मजेदार वीडियो लाने के लिए हमको एनकरेज करें। और कैसे एनकरेज करेंगे, बस आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन को ऑन रखना है, क्योंकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास आसानी से पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।